अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं, अच्छा खिलाएं। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ घर के मसाले से जबरदस्त मजेदार चटपटी तंदूरी चिकन, जो कि बहुत मजे की बनती है। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे मौजूद होंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन ली है और 1 पाव मैंने इसके लिए दही ली है। कश्मीरी लाल मिर्च 2 टीस्पून ली है, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून ली है, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, नींबू का रस 2 टेबलस्पून और एक दरमियानी प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है। और मसाले में आपको बता दूं इसमें मैंने क्या लिए हैं। नमक मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और हल्दी मैंने ली है, इसमें 1/2 टीस्पून। चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून और भुना कुटा धनिया 1.5 टीस्पून और हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक चाय की गार्निशिंग में। और ऑयल लूंगी मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। तो इसको शुरू करते हैं, हम मैरिनेशन करेंगे। पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन में मैं 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसमें सारे मसाले वो हैं जो आपके घर पे अवेलेबल होते हैं, घर पे मौजूद होते हैं। घर पे मौजूद मसालों से मजेदार सी तंदूरी चिकन बनेगी। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टेबलस्पून नींबू का रस और एक दरमियानी प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था, उसको ग्राइंड कर लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी, जो सारे मसाले मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें मैं ये मसाले ऐड कर दूंगी और इन सबको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी और इसको तकरीबन 20 मिनट से आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। और इसमें मैं थोड़ा सा जर्दे का रंग डालूंगी, इससे तंदूरी चिकन में रंग बहुत अच्छा आता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। तकरीबन 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने इसमें फूड कलर डाला है। फूड कलर हमेशा अच्छा यूज किया करें, ऑर्गेनिक यूज किया करें। अब मैं इसमें 1 प्याली दही लूंगी। 1 प्याली दही तकरीबन 250 ml, 1 पाव दही इसमें जाएगी। और दही के अंदर मैं इसमें डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च। ये आप चाहें तो मैरिनेशन में भी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में दही थोड़ी देर बाद में जाती है, चिकन को भूनने के बाद जाती है, तो इनका टेस्ट बरकरार रहता है, अच्छा सा टेस्ट, अच्छी सी खुशबू आती है, इसलिए दही में मिक्स कर लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो दही में कश्मीरी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च मैंने मिला दी। अब मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल जो है चूल्हे पे कड़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें चिकन डाल के इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूंगी। अच्छा सा इसको तेज आंच पे इसको भूनना है ताकि चिकन की सारी स्मेल, चिकन का पानी सब कुछ खुश्क हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो 4-5 मिनट इसकी भुनाई के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें दही का मिक्सचर डाल देंगे। जो दही में मैंने कुटी लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है वो डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। और मिक्स करने के बाद इसको ढक के गोश्त को गलने तक के लिए मैं पकाऊंगी। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको गलने में। तो इसको अब हम ढक के हल्की आंच पे 8-10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून मक्खन डाल रही हूँ, इससे इसमें टेस्ट, खुशबू बहुत अच्छा आता है। और मक्खन डाल के मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक के रखा है ताकि मक्खन मेल्ट हो जाए और पूरे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैं इसको कोयले का धुआं दूंगी। कोयला जला के पहले से जलने के लिए रख दिया था दूसरे चूल्हे पे। अब मैं कोयले का धुआं दूंगी, कोयला इसके अंदर रख के उसके ऊपर से ऑयल डाल दूंगी और इसको ढक के 1 मिनट के लिए इसको कोयले का धुआं दूंगी, जिससे इसमें बहुत अच्छा तंदूरी बारबेक्यू टच, बारबेक्यू फ्लेवर आएगा। अच्छे से इसमें कोयले का धुआं चिकन के अंदर रच बस गया है। मजेदार सी जबरदस्त सी तंदूरी चिकन आपने देखा, ये इतनी जल्दी बन जाती है। तकरीबन आपके आधा घंटा मैरिनेशन है और कुकिंग टाइम 15 मिनट में आपकी, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा में आपकी तंदूरी चिकन तैयार है। मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम भी बताऊंगी, मैरिनेशन और सारी चीजें। आराम से 1 घंटे में आपकी तंदूरी चिकन तैयार हो जाएगी। इसको अदरक से, हरी मिर्च से, हरे धनिये से गार्निश करें। इसको घर पे बना के अपने घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, अपनी दावतों में बनाएं। ये बहुत मजे का बनता है। आपने देखा तमाम मसाले वो डाले हैं मैंने जो घर में मौजूद होते हैं। आप इसको जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। आप देखें मजेदार सी चटपटी सी तंदूरी चिकन तैयार है। ये बहुत मजे की बनती है, बहुत आसान रेसिपी है। लेकिन आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।